दिल्ली की हुई है शानदार जीत, श्रेयस अय्यर की टीम को सपोर्ट करते हैं तो लाइक कीजिए। दिल्ली ने राजस्थान को 13 रनों से हराया। दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची। लगातार पांचवें मैच में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी। धवन और अय्यर ने लगाई 50। आईपीएल सीजन 13 के 30वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ दिल्ली पॉइंट्स टैली में टॉप पर पहुंच गई है। दिल्ली ने राजस्थान को लगातार पांचवें मैच में शिकस्त दी है। इस सीजन के पहले मैच 46 रन से हराया था। मैच में दिल्ली के शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने 50 लगाई। दिल्ली टीम दुबई के मैदान पर सीजन का कोई मैच नहीं हारी है। टीम ने यहां अब तक खेले सभी चारों मैचों को जीता है। राजस्थान को यहां 3 में से 2 मैच में हार और 1 में जीत मिली है। दिल्ली ने 162 रनों का टारगेट दिया था। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स 8 विकेट पर 148 रन ही बना पाई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान टीम की सदी हुई शुरुआत थी। बेन स्टॉक्स ने 41, रॉबिन उथप्पा ने 32, संजू ने 25 और जोस बटलर ने 22, राहुल तेवतिया ने 14 रनों की पारी खेली। नॉर्थेज ने फेंकी सीजन की सबसे तेज बॉल, जो कि 156.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी गई। इस पर बटलर ने चौका जड़ा। इसके बाद नॉर्थेज ने सीजन की दूसरी सबसे तेज 155.1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल फेंककर बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। सैमसन ने सीजन में लगाए सबसे ज्यादा 18 छक्के। वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं इस सीजन में। उन्होंने 8 मैच में 18 छक्के जड़े हैं। दूसरे नंबर पर किंग्स 11 पंजाब के निकोलस पूरन, जिन्होंने 7 मैच में 16 छक्के लगाए। सैमसन ओवरऑल आईपीएल में 101 छक्के लगाकर 17वें नंबर पर आ गए। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम अभी भी क्रिस गेल का है। उन्होंने आईपीएल में 125 मैचों में 326 छक्के लगाए हैं। खराब शुरुआत के बाद भी धवन अय्यर ने पारी को संभाला। धवन अय्यर की 50 हुई पूरी। धवन आईपीएल में 39वीं 50 लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस मामले में धवन ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और सुरेश रैना को भी पीछे छोड़ दिया है। तीनों लीग में 38-38 50 लगाई है उन्होंने। ओवरऑल सबसे ज्यादा 50 के मामले में डेविड वार्नर के बाद अब धवन दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दिल्ली की पारी के आखिरी ओवर में उनादकट ने 2 विकेट लिए। और दोस्तों आपको बता दें, दोनों टीमों में रहे विदेशी खिलाड़ी, प्लेइंग 11 राजस्थान में रहे स्टीव स्मिथ, जोस बटलर, बेन स्टॉक और दिल्ली कैपिटल्स में मार्क स्टोइनिस, एलेक्स कैरी और रबाडा एंड्रिश नॉर्जे भी शामिल रहे।